और अयोध्या की भौगोलिक स्थिति समझिए। रामकोट का जो एरिया है, जो सड़क के उस तरफ का बाएं हाथ का एरिया है, उसका वो ऊपर है और इधर इधर वाला लैंड नीचे है। एक स्वाभाविक प्राकृतिक फ्लो था जल का इधर आने का, और वो सारा पानी इधर जलावनपुरा में और सब जगहों पर आता था, और पारंपरिक तौर पे हम लोगों के वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्थाएं थी। जलावनपुरा में वह पानी स्टोर होता था, वहाँ पे आता था, और वो क्षीर सागर था, ये पूरी दुनिया जानती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कॉलोनीज बन गई। अब वहाँ पे पंप पानी निकालने की समस्या आई, तो नगर निगम वहाँ पे लगातार 2 पंप वहाँ पे लगातार स्टेब्लिश कर रखा है, और पानी हम लोग निकालते हैं, लेकिन उन पानी निकालने की क्षमता उसकी एक सीमा है, और वो पानी आपसे नहीं निकल पाता, इस कारण से कुछ वाटर लॉगिंग वहाँ पे। इन सब चीज़ों को देखते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण के माध्यम से एक बड़ी परियोजना वहाँ पर चलाई जा रही है, जो एक पाइपलाइन एक पाइपलाइन यहाँ से सीधे रामघाट सोतिया नाला तक गई हुई है, कि यहाँ का पानी पंप से सक करके और वहाँ तक भेज दिया जाए। वह परियोजना लगभग पूर्ण होने के कगार पे है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जिनका जिनका वहाँ पर जिनका भूमि पे अधिकार होगा है, उन लोगों ने हाई कोर्ट से वहाँ पे स्टे ले रखा है। तो अब चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश है, इस कारण से सरकारी एजेंसियों के भी हाथ बंधे हुए हैं। कल हम लोगों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नगर निगम, जिसमें जल निगम, जिसमें PWD, जिसमें प्रशासन के लोग, इन सारे लोगों ने बैठ के कुछ एक रास्ता वहां पर निकालने का प्रयास किया है। वह रास्ता भी एक दो दिन में आपको उन सब चीजों का दिखाई पड़ेगा। इसके इन विडविन नगर निगम अयोध्या वहां पर लगातार अपने पंप को लगा के, अपने कर्मचारियों को लगाकर वहां के पानी को निकाल रहा है, और ये प्रयास कर रहा है कि वहां के रहने वाले लोगों को कोई सुविधा। तो ये हाईटेक सिटी बनाने से ये हाईटेक सिटी नहीं, बल्कि यूं कहा जाए जलटेक सिटी बनने वाली है। जल में तैरने वाली अयोध्या द्वारिका बनेगी। अंदर जाइए, डुबकी लगाइए, और फिर ढूंढ के आइए कि कहाँ रामलला है, कहाँ हनुमानगढ़ी है। ये स्थिति बना दी गई है। सारी सड़कें टूट गई हैं अयोध्या की, वही टूट तोड़ी जाती हैं, वही बनाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो पानी बह नहीं रहा है, पानी जाम हो गया, सारे नाले चौक हो गए। विधायक सांसद सब मगन है अपने, विधायक तो मगन रहने वाला आदमी, उसको मतलब नहीं है। सांसद जी चले गए, अच्छे आदमी थे, लेकिन जाना था चले गए। अयोध्या कोई सिटी नहीं बन पाएगी। अयोध्या रामलीला की कृपा से पौराणिक सिटी रहेगी। एक दिन यही स्थिति रहेगी तो माँ सरयू बढ़ेंगी, और जितना ये विकास का नकली भांडा है फोड़ देंगी, और फूट रहा है, ये बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ के ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।